मैं रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही डिलीशियस है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगी। तो उसका नाम है बनाना बॉल्स। तो देख लीजिए इसके लिए क्या क्या लगेगा। ये मेरे पास एक हल्का सा ज़्यादा गल गया है ऐसा है केला, और एक ये टाइट सा है। अगर बहुत ज़्यादा कभी कभी केला खराब हो जाता है तो उसका खाने का मन नहीं करता है, तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो अच्छे वाले केले हैं उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दो केला, ये नारियल का चूरा है, ये है आटा, ये है काजू, दूध, ये है मखाना और बादाम का पाउडर, ये है ब्राउन शुगर, ये है घी और ये है छोटी इलायची। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाना, नारियल का बुरादा, इलायची, चीनी और ये दूध, हम इन सब का सबसे पहले मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये सबसे पहले केला को छील लेंगे फटाफट। ये देखिए ये हल्का सा गला हुआ है, ये डाल देंगे। ये नारियल का बुरादा है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ये भर के दे रही हूँ। अगर जिनको नहीं पसंद है वो थोड़ा सा इसमें कम भी डाल सकते हैं। ये है चार इलायची, ये डाल दिया मैंने इसमें। ये मैंने मखाना और बादाम का पाउडर लिया हुआ है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच। अब हम इसमें ये ब्राउन शुगर डालेंगे, केला ऑलरेडी मीठा है इसलिए हम ये थोड़ा सा ही डालेंगे, ये देखिए। अब हम दूध जो है इसमें धीरे धीरे डालेंगे और फिर इसको मिक्सी में चर्न करें। अब हम पहले ये आटा लेंगे, इसमें जो है हमको हड़बड़ाना नहीं है, अगर ये कम हो जाएगा ये ज़्यादा है तो इसमें हम आटा और मिला देंगे। तो इसको हम धीरे धीरे, इसको पहले हम अच्छे से डाल मिला के और फिर इसमें हम धीरे धीरे डाल देंगे, और जो बच जाएगा उसको बच्चों को हम भी खिला सकते हैं। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा आटा और डालूंगी क्योंकि ये अमाउंट कम है, इसलिए अब हम और आटा मिला लेंगे और फिर इसमें पूरा ऐसे हिला के बढ़िया से एकदम से नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर अंदाज नहीं बैठेगा, तो पता चलेगा कि आटा गीला हो गया। फिर आटा मिलाइए, फिर दूध मिलाइए, इस तरीके से ना हो इसके लिए हम धीरे धीरे इसमें सब कुछ मिलाएंगे। ये प्रॉपर एक ये आटा के तैयार होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी भी मिलाएंगे, पहले हम इसको पूरा बाइंड कर अच्छा। तो ये देखिए ये आटा गूंथ के तैयार है, इसीलिए इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे मिलाना होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देसी घी हम इसमें थोड़ा सा बढ़िया से, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उस बॉल्स में हम ये काजू को फिल करके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ये होममेड मिठाई है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को बहुत पसंद आता है। एक बात और, ईद पे आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। बाहर का मिठाई खरीदने से बेहतर है कि हम घर पे कुछ बना। तो ये लीजिए हमारा ये बन के रेडी हो गया है, अब हम इसकी बॉल्स बनाने की तैयारी करें। तो चलिए अब बॉल्स बना लेते हैं, इसके छोटे छोटे बॉल्स बनेंगे, ये देखिए ऐसे। और इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको फ्लैट करके देखिए इसमें हम
ये 2-3 दाने काजू के डाल देंगे और इसको हम इजीली ऐसे रैप कर देंगे। तो इसी तरीके से हमको ये बॉल्स बनाने हैं। ये देखिए बनके तैयार है हमारे स्वीट बनाना बॉल्स। ये मेरे स्वीट बनाना बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बनेगा किस में, तो ये बनेगा अब अप्पे स्टैंड में। तो हम इसको अब गैस ऑन करके इसको चढ़ा दिया है मैंने, और अब इसमें हम हल्के सी घी की ब्रशिंग कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा सब पे हम बढ़िया से इसको लगा देंगे। अब ये गर्म हो गया है, देखिए घी उतर नहीं रहा है। चल अब ये बढ़िया से इसकी ग्रीसिंग हो गई है। अब हम इसमें ये जो हमारे स्वीट बॉल्स हैं उसको रख देंगे, थोड़ा सा और गर्म हो जाए। ये बढ़िया से गर्म हो गया है। अब हम आंच कम करके इसमें ये हमारे बनाना स्वीट बॉल्स या स्वीट बनाना बॉल्स को डाल देंगे। ये देखिए, और हल्का सा हम इसमें फिर से, अगर आपके पास वो सिलिकन वाला ब्रश है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं भी अभी ढूंढ लेती हूँ कहाँ है, मिल नहीं रहा मेरा। ये देखिए हल्का सा इसमें हम सब पे हल्का हल्का लगा देंगे। अब इसको हम ढक देंगे। तो चलिए 3-4 मिनट हो गए हैं, देख लें हमारे ये बनाना स्वीट बॉल्स का क्या हाल है। तो ये देखिए लाल होना ये शुरू हो गया है, और इसमें जो मैंने बादाम मिलाया था, इलायची मिलाई थी, और ये देसी घी में बन रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। देखिए अब इसको हम फिर से ढक देते हैं। इसकी जो नीचे वाली जो लेयर है वो भी इस तरीके से क्रिस्पी हो जानी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी जो लोअर साइड है वो क्रिस्पी हुई कि नहीं हुई। ये देखिए शुरू हो गया है क्रिस्प होना। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देसी घी की तो बात ही क्या। ये देखिए जो लाल हो गए हैं उसको मैं पलट दे रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही लाजवाब। बस 2-1 मिनट और उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसको इसी टोंग की हेल्प से, ये नारियल का चूरा है उसी में हम इसको डाल देंगे। तो चलिए अब हम ये नारियल के गुलादे में इसको पूरा ऐसे हल्का हल्का सा, ये देखिए जितना लिपट सकता है हम इसको आराम से रेडी कर देंगे। देखिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए ये हमारे बनाना स्वीट बॉल्स या स्वीट बनाना बॉल्स तो देखिए इसमें मैं ये नारियल को इस तरीके से पूरा लिपटवा रही हूँ कि जितना ये इसमें लिपट जाए। तो ये देखिए सारा मैंने इसमें अच्छे से लिपट के ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको इसमें डालूँगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अब इसके ऊपर एक और मैजिक है, और ये मैजिक है हर्शल्स का सिर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो प्लीज से इसको आप लोग ट्राई कीजिए। तो ये देखिए हमारे बनाना बॉल्स, स्वीट बनाना बॉल्स बनके तैयार हैं। आप लोग ज़रूर से इसको बनाइए, खाइए और खिलाइए।
और पसंद अगर आ जाएगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट लिखिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। एक बात और, मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और जो अपनी ब्रेकफास्ट पिक्स हैं उसको भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं उसका लिंक। और आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।